नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रैपिड फायर राउंड में, जिसमें हम लोग 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट यूपीपी का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उस री एग्जाम को रिलेट करके जो आपके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा रैपिड फायर राउंड में जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका जीएसटी है और विमुद्रीकरण। तो जीएसटी और विमुद्रीकरण से पूछे जाने वाले जितने प्रश्न होंगे 50 इंपॉर्टेंट, उनको हम टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वस्तु और सेवा कर की अवधारणा कहां से ली गई है। तो ये जवाब आपका कनाडा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे, जीएसटी बिल को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। तो ये जवाब आपका 3 अगस्त 2016 हो जाएगा, आंसर आपका सी। तीसरे क्वेश्चन में बात करूं, जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। यहां पर लोकसभा की जगह राज्यसभा होना चाहिए और ध्यान रखेंगे राज्यसभा में भी आपके 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम जीएसटी के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो जीएसटी जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करूं, जीएसटी द्वारा समाप्त किया जाने वाला कर जो है वो आपका सेवा कर, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या कह रहा है, इसमें बताया गया है कि कौन सी दर जीएसटी द्वारा लागू नहीं होती। तो आपको पता है चार रेट होते हैं आपके, चार रेट में आपके 5, 12, 18, 28 होता है, चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो आपको पता है इन सारी चीजों पर जीएसटी लगाया जाता है, निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो किस प्रकार का जीएसटी कर है, किस प्रकार का है। तो अभी मैंने बताया अप्रत्यक्ष कर होगा ये, तो ध्यान रखेंगे यहां पर आपका जवाब अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी बिल के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये सारी चीजें आपकी जीएसटी के, रसोई गैस, शराब और पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। जीएसटी परिषद का वर्तमान प्रमुख कौन है, ध्यान रखेंगे जो वर्तमान वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का प्रमुख होता है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी बिल को पारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो वस्तु और सेवा कर पर लागू होने वाले पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी है, यानी कि एक रूपता लाने के लिए, ए ऑप्शन सही होगा। जीएसटी लागू करने का सुझाव 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष उस समय थे विजय केलकर की सिफारिश पर। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से क्रम का, यानी 161वां देश जब जीएसटी भारत में लागू हुआ। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में आपको पता है 15 डिजिट का कोड मिलता है। आईजीएसटी में आई का मतलब क्या है, आईजीएसटी में इसका आई का मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत हो जाएगा। इसी तरह से सीजीएसटी में सेंट्रल हो जाता है, सेंट्रल जीएसटी हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी में स्टेट हो जाता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन में, जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने वाली समिति का पहला प्रमुख, वही बात आपके विजय केलकर समिति, असीम दास गुप्ता जीएसटी परिषद की सिफारिश किए थे, जीएसटी परिषद की बात करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत ने किसके समान दोहरी नीति अपनाई है यानी जीएसटी में, तो वो है आपका जवाब कनाडा, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे भारत में जीएसटी मॉडल कितने प्रकार की कर संरचना, तो आपको पता है 4, 5, 12, 18, 28। जीएसटी का मतलब, जीएसटी एन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आपका जो आगे जाकर के नेटवर्क होगा ना, यानी आपका जवाब यहां पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख कौन सी धारा में की गई, यानी कौन से अनुच्छेद में, 279A परिषद का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अगर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के बारे में बात करूं मैं ना, तो वर्तमान में कार्यरत केंद्रीय वित्त मंत्री ही क्या होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। पूरे भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 1 जुलाई को पूरे भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी, तो ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 2016 को मंजूरी मिल गई थी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, असम। अंतिम राज्य ये आपका जम्मू कश्मीर था, ध्यान रखेंगे। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस 1954 में ही। आगे बात करेंगे भारत के संविधान में जो जीएसटी परिषद की बात की गई है वो आपके 279A में कही गई है। यहां पर संसद को अधिकार दिया गया है, किस चीज के लिए संसद को अधिकार दिया गया है, जीएसटी पे कानून बनाने के लिए। बात करेंगे क्या यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वस्तु एवं सेवा परिषद का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। देखो यहां पर जो राज्यपाल है ना वो हिस्सा नहीं होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, राजस्व और राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, आपके प्रत्येक राज्य के वित्त और
केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री होते हैं। यहाँ जवाब दिया गया है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष की बात करी गई है तो जो वित्त राज्य मंत्री होता है ना स्वतंत्र प्रभार वाला, वही इसका होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने वित्त मंत्री होते हैं। विमुद्रीकरण क्या है, तो विमुद्रीकरण वो होता है आप किसी भी देश की इकोनॉमी में हस्तक्षेप करके नए प्रकार की मुद्रा का प्रचलन करें, वही क्या होता है आपका प्रचलन करें या प्रचलन से हटा दें, विमुद्रीकरण कहलाता है। 2016 से पहले आखिरी बार कब किया गया था, तो ये 1978 ध्यान रखेंगे 1946 78 और आपके 2016 में ये पूरे तरीके से विमुद्रीकरण किया गया था। भारत में कुल कितनी बार, 3 बार, और अगर स्वतंत्रता बात पूछे तो 2 बार, ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन में कि भारत सरकार ने 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा किस तारीख को, तो 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे। 2016 की घटना में कौन से मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, कौन से मुद्रा, यानी 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। 2016 में विमुद्रीकृत जो नोट थे उनके आदान प्रदान की अंतिम तिथि क्या थी आपकी, तो ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2016 तक। और शुरू में जो आपका था विमुद्रीकरण नोटों की लिमिटेशन 4000 रुपए तक की थी। भारत में मुद्रा में नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आपको पता ही है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का जिम्मेदारी लेता है। भारत में डिजिटल भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ा, जाहिर सी बात है कि डिजिटल भुगतान क्या हो गया था, बढ़ गया था, आंसर सी हो जाएगा। विमुद्रीकरण नीति की एक आलोचना क्या थी, इससे यह थी कि गंभीर भारी नकदी संकट उत्पन्न हो जाएगा और आर्थिक विघटन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, विमुद्रीकरण किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, जहां पर रुपए का लेन देन कैश में होगा सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं पे, रियल एस्टेट। विमुद्रीकरण के बाद कौन सा नया मुद्रा पेश किया गया था, आपको पता है ना कि 500 के नोट दिए गए थे, 200 के नोट और 2000 के नोट भी क्या किए गए थे, चलन में ले आए गए थे। ध्यान रखेंगे सितंबर 2023 से 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया था। बैंकिंग प्रणाली में कितनी विमुद्रीकृत मुद्रा की बात की गई थी, यानी कितनी वापस लौटाई गई, 99% ऐसा रिपोर्ट कहता है। चलिए, विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो ध्यान रखेंगे विमुद्रीकरण कार्यान्वयन समिति थी जो इसका गठन किया गया था। बात करेंगे विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था, कैशलेस बनाना, डिजिटल इंडिया की बात करना, यानी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, यही था इसका। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो विमुद्रीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की रिपोर्ट जो है वो किसने दी थी, तो वो नीति आयोग ने दी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कौन सी पहल थी, तो ध्यान रखेंगे जनधन योजना का खाता खुला था, तो ये आपके जीएसटी से लेकर के और विमुद्रीकरण से लेकर के रैपिड फायर राउंड में आपके 50 क्वेश्चंस रहे। इसी तरीके के और रैपिड फायर राउंड्स में आपको ले आता रहूंगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।